हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज है भैया दूज और सभी लोगों को हैप्पी भैया दूज। मेरे जितने भाई हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी को। गाइस ये देखिए, मैंने भैया दूज बना ली है। हम लोगों क्या गाइस इस तरीके से ये गाइस हमने अपनी बना ली है दूज, ये यहाँ पे बनती है। तो और ये रखे हुए कांटे, यहाँ कांटे का भी प्रयोग होता है। और अभी मैं आगे कथा पढ़ूंगी तो आप लोग सुनिएगा। और हम लोगों के यहाँ गाइस भैया दूज की पूजा ऐसे ही होती है, तो ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ पे गाइस मैं और बिट्टू पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं पूजा हमने अपनी बना ली है। और गाइस यहाँ पे ये जो पूजा बनती है ये चावल के आटे को पीस के बनती है, मतलब चावल एक दिन पहले भिगो दिए जाते हैं उसको पीस के बनती है। ये देखिए मैं और बिट्टू बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब जितनी बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के लिए बैठ के पूजा करती हैं। तो यहाँ पे मैं बिट्टू को बता रही थी ऐसे ऐसे जल छिड़को और रोशना लगाओ, तिलक लगाओ। पूजा हमारी सारी हो गई है। और गाइस अब मैं जा रही हूँ यहाँ दिया जलाने के लिए। पहले रोशना करते हैं फिर फूल। यहाँ पे सात भाई बनाए जाते हैं गाइस पूजा में, और मतलब उसी रोशना उसी से बनाए जाते हैं आटे से। और फिर फूल वूल चढ़ाते हैं, रोशना करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं दिया जला रही हूँ, धूपबत्ती पूजा करेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कांटे रखे हुए हैं, कांटों का भी प्रयोग होता है। उसमें कहा जाता है कि हमारे भाई को कांटा न लगे। और इसके बाद में मैं कथा पढ़ूंगी तो आप लोग भी सुनिए कथा, बहुत छोटी सी कथा है। अब हम कथा पढ़ते हैं भाई दूज की। भाई दूज की जो कथा है, ये जो कथा है ये यम और यमुना दोनों भाई बहन के आपसी प्रेम की कथा है। जो यमुना महारानी थी उनके जो भाई थे वो यम देवता थे, एक सूर्य नारायण थे और एक नहीं सूर्य नारायण के थे पुत्र थे, हाँ उनके भाई जो थे वो यम देवता थे और एक शनि देवता थे, दो भाई थे। तो एक बार क्या हुआ, जो यमुना जी थी वो गुस्सा होकर के धरती पे आ गई। मतलब भाई बहन में इतनी ज्यादा यम और यमुना में लड़ाई हुई कि वो इतना रोई कि रोते रोते वो समझ लो धरती पे आ गई। जब धरती पे आ गई तो ये भाई दूज का दिन पड़ा। तो उधर यम तड़पे कि आज मेरी बहन होती तो मुझे रोचना करती, आज मेरा माथा सूना है। उधर यमुना जी धरती पे थी क्योंकि वो श्री कृष्ण की प्रिया थी, उनके चरणों में वृंदावन में वास करती थी। उधर उनको लगे कि आज मेरा भाई आता तो मैं रोचना करती, वो भी बैठी नहीं सुबह भूखी प्यासी। तो ये बात फिर जब कृष्ण भगवान को पता चली तो उनको बहुत वो हुआ। तो मन ही मन में उन्होंने यम को वो कहा कि तुमको आना चाहिए। तो यम देवता फिर ऊपर से आए और नीचे यमुना जी के पास में मिले, उन्होंने उनसे रुचना करवाया, टीका करवाया। और तो यमुना महारानी बहुत खुश हुई। तो उस दिन से यमुना महारानी ने वरदान मांगा कि भैया आज तुम भाई दूज का दिन है, सबसे पहले दिवाली का दिन होता है, उसके बाद में गोवर्धन पूजा आती है, तीसरे दिन भैया दूज आती है। तो यमुना जी ने अपने भाई से वरदान मांगा कि आज के दिन तुम ऐसा वरदान दे के जाओ जो कि इस धरती पे सभी के लिए वरदान बन जाए। तो यम ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो कोई यमुना में स्नान करके और ये भाई दूज बना करके और अपने भाई को रोचना करेगा तो कभी भी मैं उसके आगे नहीं आऊंगा, क्योंकि एक बहन ने अपने भाई को रोचना किया है उसके मस्तक का तिलक देख करके कभी भी मैं उसके आगे नहीं आऊंगा ना उसके प्राण हरूंगा। तभी से ये यम और यमुना के भाई बहन की आपसी प्रेम की कथा भाई दूज के दिन कही जाती है। भगवान जैसे यम देवता तुमने यमुना महारानी के आके उनकी लाज रखी, ऐसे हम सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जितने भाई हैं सबकी रक्षा करना और हम सबकी भी लाज रखना। बोलो यमुना मैया की जय, भाई दूज की जय। चलो बस एक ही बहुत है ना, आरती कर लो। जय वो घंटी बजा दो, हमारी हो गई है पूजा भाई दूज की। और ये हम लोगों के यहाँ इस तरीके से पूजा होती है। और ए ऐसे मत करो, चलो अच्छा बैठो, रुमाल ले आओ अक्षर, बुझ जाएगी अभी वो। तो यहाँ गाइस होने जा रहे रोचना, उधर मुँह करो बहन की तरफ, ले बिट्टू रोचना कर देना फिर मिठाई खिला देना। देखो इसको रुमाल नहीं मिला, तौलिया रख के। चलो
श्री श्वान पुस्तक काओ वो पैसा लाया बहन को देने के लिए कहाँ है अरे देगा अरे दे रहा कहाँ अबे तुम खड़े रहो टावल अरे गजब अरे गजब गाइस आज तो अच्छे थे अपने पास कीर्ति मामी देख रही अरे जो भी हो लेकिन उसने दिए तो जो बहन के पैर छुओ तो गाइस आज भाई दूज की पूजा हमारी हो गई है और मैं पापा के यहाँ जा नहीं पाऊंगी एक्चुअली इनको जाना है तो मैंने पापा को यहीं बुला लिया है तो अभी मम्मी पापा आएंगे तो मैं यहीं पे ही रोशना कर दूंगी और बिट्टू लोगों की तो रोशना हो गई है। चलिए फिर गाइस ब्लॉग में बने रहिए सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज भाई अब मान गए अच्छा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा लगा देना। वो चावल चिपका है और कुछ ये भी चढ़ाना बस नहीं कहीं बहुत है तुम्हारा अच्छा दिखाओ पैसे दिखाओ ये देखो गिरा ही नहीं फोटो खींच लो। अच्छा अरे इसकी खींचो भाई देखो फ्लैश डाले। तो गाइस यहाँ बज रहा था शाम का 4 और ये देखिए मम्मी पापा आ चुके हैं और मम्मी पहले गई थी नानी क्या मामा लोग को रोशना करने फिर मैंने यहीं बुला लिया था तो ये देखिए दोनों लोग आ गए हैं अभी यहाँ नाश्ता वास्ता चल रहा है तो ये देखिए पापा खा रहे हैं मैगी अक्षत ने बनाई मैगी तो वही लेके आए हैं खा के देखो चिली फ्लेक्स पड़ा है ना चिली फ्लेक्स इधर दिखाओ। तो गाइस आर था भाई दूज और मैं जा नहीं पाई थी एक्चुअली इनके पापा को कहीं जाना था तो मम्मी पापा को मैंने यहीं बुला लिया तो यही लड़कियां आती हैं घर पे यहीं रोचना कर देंगे हम अब मजबूरी गाइस जाने बनाई है मैंने बनाई है तो यहाँ तो लिखाओ इधर दिख रहा है तो यहाँ पे गाइस बिट्टू ने बनाई है मैगी वही सबको टेस्ट कराया जा रहा है। तो गाइस शाम को मम्मी पापा आ गए थे और आज हमारे घर में बन रहा है बैगन का चोखा क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं उनकी भी बहुत फरमाइश थी बहुत दिन से मैंने बैगन का चोखा नहीं बनाया था और मैं दिखाती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखिए बिट्टू ने लगाई थी लाइट ये देखिए फोटो सेशन के लिए और यहाँ पे फिर से हो गया है लूडो शुरू। देखिए गाइस मैंने बैगन उबाल के रखा है और इधर पक रहा है मेरा मसाला और पक जाए तो फिर इसमें डालते हैं। दाल मेरी बन गई है देखिए गाइस यहाँ मेरा बैगन का भत्ता हो गया है तैयार और आप लोग भी बताइए कैसा बना है। प्राइस दिया है देखिए 9:30 बज रहा है इतनी रात में ये आई है ओम से कहें कि हम आएंगे नहीं और ये आ गए हमारे चीकू दादा। चीकू हाय करो सबसे ये देखो चीकू हमारे डॉन बन के आए एकदम ये रुमाल तो यहाँ गाइस बिट्टू कर रही हैं चीकू के रोचना। अरे जय बर्फी खिला देना है खाल थोड़ी सी खा लो रुको रुको अभी खड़े अभी रुक जाओ खड़े रहो। यहाँ गाइस चल रहा है फोटो सेशन तीनों भाई बहनों का अक्षत ने खुलाई नाक चल हम लोग सेल्फी ले ले क्या तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और फिर सब लोग आ जाते हैं तो इतना ज्यादा फिर शोर होने लगता है बातचीत होने लगती है तो चलिए गाइस इससे ज्यादा मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए ओके बाय।